केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा 17 अगस्त को निकाली जाने वाली है। इस यात्रा को लेकर भोपाल के पूर्व महापौर और प्रभारी आलोक शर्मा ने इंदौर में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कई बातें साझा की है। आलोक शर्मा ने बताया कि इस बार विपक्ष ने नए मंत्रियों को संसद में सभी से परिचित नहीं होने दिया था। इसी उद्देश्य को लेकर भाजपा संगठन ने यह तय किया है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आशीर्वाद यात्रा निकालकर नए मंत्रियों के लिए आम जनता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यात्रा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होकर आम जनता का आशीर्वाद लेंगे। मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे और माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी शामिल रहेंगे। पेशवा बाजीराव की समाधि पर जाएंगे और एक कार्यक्रम में दोनों लोग संयुक्त रूप से इसमें हिस्सा लेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि देश का सबसे पवित्र लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ संसद चलती है। अगर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री बनाया है और जब उनका परिचय, जो एक लोकसभा में सदन की एक परंपरा है, सबका परिचय होता है, और उस परिचय को नहीं होने दें, ऐसे समय में जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? तो हमारे पार्टी के केंद्रीय संगठन ने यह निर्णय लिया है कि जो नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 43 से मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें सभी समाजों का प्रतिनिधित्व भी है, जिसमें भारत की एकता की झलक दिखाई देती है, सभी लोग जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे और जो भी केंद्र सरकार की योजना है और जो प्रदेश सरकार की योजना है उनके बारे में जनता को बताएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा में विपक्ष ने अपनी हठधर्मिता के चलते हुए इन सम्मानी मंत्रियों को सदन में परिचय नहीं होने दिया, इसलिए अब ये सभी सम्मानी मंत्रीगण आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की आशीर्वाद यात्रा 17 अगस्त से 19 अगस्त के बीच ये 3 दिन इंदौर, देवास, शाजापुर और खरगोन में चलने वाली है। इस आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री धार्मिक स्थलों, संत महात्माओं, शहीद लोकतंत्र सेनानियों से आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा विभिन्न समाजों के कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा प्रबुद्धजन, कलाकारों, साहित्यकारों, खिलाड़ियों से भेंट करेंगे। इसके अलावा विभिन्न महापुरुषों की स्मारकों पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बहरहाल अब देखने लायक होगा कि इस यात्रा पर विपक्ष किस तरह जुबानी हमला करता है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।